पंडित बाबा कहाँ है? बेटा वो दैविक का सामना करने की तरकीब ढूंढ रहे हैं। क्या बाबा को अब तक सोल्यूशन नहीं मिला? लेकिन पंडित जी मंडप तैयार हो चुका है। पंडित जी तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं इस शादी को टालने की पूरी कोशिश करूंगा। कहाँ रह गए पंडित जी? देखो ना अभी तो यही थे। मिश्री जी ने कहा है इसलिए शादी की तैयारियां तो करनी पड़ेंगी, लेकिन जब तक निशांत जी नहीं आ जाएंगे मैं शादी को नहीं होने दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करो। पंडित जी कहाँ रह गए थे? आप इतनी देर से ढूंढ रहे हैं आपको। अरे मैं आरती की थाली ढूंढ रहा था, कहीं दिखाई नहीं दे रही। थाल मैं ले आती हूँ, आप चलिए जल्दी से शादी की तैयारियां कीजिए ना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। देखिए वैष्णी जी, शुभ कार्य में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है, धैर्य रखिए। पंडित जी शुभ काम में देर भी तो नहीं होनी चाहिए ना। समझने की कोशिश कीजिए, हमारी मजबूरी है। पंडित जी हमें जल्द से जल्दी शादी करवानी है, अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो अंश की जान जा सकती है। चलिए पंडित जी आइए जल्दी। चलिए हमें शादी रोकनी ही होगी। पंडित जी मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ, बताइए क्या क्या करना है। नहीं नहीं वैष्णी जी मैं कर लूंगा, आप गंगा जल ले आइए थोड़ा। हाँ मैं देती हूँ, ये लीजिए। भाभी हे भगवान, पहली बार एक पंडित के हाथों अपशगुन होते हुए देख रही हूँ। चौथाली जल्दी जल्दी में गंगा जल गिर गया, अब इसे पहले साफ करना होगा ना। पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, मैं साफ कर देता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। आप रहने दीजिए मैं कर लूंगा। आप हमें बता दीजिए ना, हम भी आपकी मदद कर देते हैं। देखिए हर व्यक्ति इस काम में हाथ नहीं बटा सकता। क्यों? इस काम को करते हुए श्लोक बोलने होते हैं। मैं शादी को और नहीं टाल सकता। निशांत जी कहाँ रह गए? रुचि बुआ जी, हे भगवान, इन लोगों को अब तक इस बारे में नहीं पता है। अगर रुचि को पता चलेगा कि देव मेरे साथ शादी कर रहा है तो उसका दिल टूट जाएगा, मुझे उन्हें घर में आने से रोकना होगा। पापा, चाचा जी, मैं लिफ्ट से नहीं जा सकती, मुझे सीढ़ी से जाना होगा। रुचि कहाँ गई? ये शॉपिंग बैग्स तो यहीं पड़ी हैं। पिया, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। मुझे पता है तुम्हें शादी के लिए रेडी नहीं हो, बट अब जो होना है उसे कौन टाल सकते हैं। अब चलो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। गुड। कितना समय लगेगा? अब देखिए ना वेश्री जी, रीति रिवाज पूरे करने में थोड़ा समय तो लगता है, थोड़ा सब्र रखिए, जल्दबाजी अच्छी नहीं होते। पंडित जी ये जल्दबाजी हमारी मजबूरी है, देव ने कहा है अगर शादी जल्दी से नहीं हुई तो अंश नहीं ठीक हो पाएगा। हाँ और अगर देर हुई तो वो देव को गुस्सा आ जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, शादी में देर नहीं होगी। अरे बाप रे, हे भगवान,
एक तो पहले इतनी देर हो रही है, ऊपर से और काम बढ़ रहा है। यही तो मैं आप लोगों को कह रहा था, थोड़ा धीरज रखिए, जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो ऐसा ही होगा। जल्द से जल्द आइए निशान जी, अब मैं शादी को और नहीं रोक सकता। मुझे तो डर लग रहा है, देव ने अगर आके से देख लिया तो वो गुस्सा हो जाए। वैसी जी आग लग गई। आग? आग? वैसी जी? ये कैसे लग गई? अचानक? थोड़े समय के लिए ही सही, शादी में थोड़ा सा विलंब तो हो ही जाएगा, और हो सकता है तब तक निशान जी भी आ जाए। अरे अगर देव ने देख लिया तो वो तो गुस्सा हो जाएगा। क्या करें? विनाश खड़े खड़े क्या करें? जाओ जाके पानी लेकर आओ, आग बुझाओ। क्या हो रहा है यार? ये सब कैसे हुआ? देव, पता नहीं ये आग कैसे लग गई, समझ में नहीं आया। हाँ, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप आग लग गई। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम लोग अभी सब ठीक कर देंगे। हाँ देव, तुम्हारी और पिया की शादी में हम बिल्कुल भी देर नहीं होने देंगे। चलो, नहीं रहने दीजिए, मैं ही कुछ करता हूँ। जय हो मैया की। शादी शुरू करें, मुहूर्त निकला जा रहा है, और जो एक बार बीत जाता है वो लौट के नहीं आता। पिया, चलो, देव ने कहा ना शादी शुरू करते हैं। देव कह रहा है ना शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो। हे देवी माँ, मैं क्या करूं, बाबा भी पता नहीं कहाँ है। अगर तुम दोनों को चुड़ैलों के नियम नहीं पता, इसका मतलब तुम दोनों चुड़ैल नहीं हो। नहीं है, है। हाँ, हम दोनों ही चुड़ैल है। अबे यार, तुम हद करती हो यार। तुम बताओ, इमली खिला दी, उल्टा लटका दी, जो सबसे जरूरी बात थी वो तुम बताना ही भूल गई हमको। हाँ पतिदेव जी, माफ कर दीजिए, हम भूल गए थे। माफ करो, यहाँ जान पटकी हुई है, तुम माफी मांग रही हो हमसे। बहुत हो गया नाटक, अब मैं इस चुड़ैल को नहीं झेल सकती। अरे तुम चुप रहो यार, हमारी अम्मा, दो मिनट शांत रखो, हम कुछ मैटर सॉल्व करते हैं। क्या घुसुड़ घुसुड़ कर रहे हो तुम लोग आपस में? नहीं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अरे माता जी, हम आपसे मिलके इतना एक्साइटेड हो गए थे ना, चुड़ैल का नियम ही भूल गए थे हम। और चुड़ैल, हम तो 100% चुड़ैल हैं। अरे हम मांस खाते हैं, इमली खाते हैं, उल्टा लटकते हैं, 100% मांसाहारी चुड़ैल हैं, वो भी थप्पा लगवा करके। तो फिर उड़ क्यों नहीं रहे हो? अरे उड़ना कौन सी बड़ी बात है, आप देख रही है, अभी उड़ के दिखाते हैं आपका हवा में। देखिए, ये देखो। अरे साबी, थोड़ा मदद करिए ना। मैंने पूछा तुम दोनों उड़ क्यों नहीं रहे हो? वो हम इसलिए नहीं उड़ रहे क्योंकि हमने अभी अभी एक इंसान को खाया है। बहुत 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 लालची है, खाली दिखने में एक बित्ते की दिखती है, बहुत लालची है। हम बोले अम्मा जी के लिए थोड़ा बचा दो यार। नहीं बचाई अम्मा जी, बताओ। लालची चुड़ैल हमें बहुत पसंद है। पसंद है ना, मैं तो बहुत लालची हूँ। ए, अम्मा को पसंद है भी।
क्या हुआ, रुक क्यों गई पिया? हो बच्चे आदि और परी ठीक है, अपने कमरे में है। हाँ, और मैंने उन्हें खाना भी खिला दिया है। हाँ, वो तो मजे से बैठ के वीडियो गेम खेल रहे होंगे। हाँ, तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ तुम दोनों अपने मम्मी पापा की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम दोनों यहीं पे रहोगे, समझ गए? बेटा, आप दोनों यहीं रहोगे, हाँ? यहाँ से बाहर मत जाना। हाँ, क्योंकि देव ने कहा है। हाँ बच्चों, देव ने कहा है तो सही ही होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे पापा की जान खतरे में पड़ जाएगी। And I'm sure तुम दोनों वैसा नहीं चाहते हो ना? ये देविक और दावंश के बच्चे हैं, इन्हें लाइटली लेना बेवकूफी होगी, और देव कभी कोई बेवकूफी नहीं करता। जय हो मैया की। ये तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है, इसे गलती से भी पार मत करना। इसका मतलब है कोई अदृश्य चीज मुझे अंदर जाने से रोक रही है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि देव मुझसे दो कदम आगे है। वो जानता था मैं उसे रोकने की कोशिश जरूर करूंगा, इसलिए उसने मुझे रोकने का इंतजाम पहले से कर रखा है। पिया का रेवावंशी बाब उसकी मदद करने जरूर आएगा, लेकिन मैं उसे पिया तक पहुंचने नहीं दूंगा। मुझे किसी भी तरह इस शील्ड को पार करने का तरीका ढूंढना होगा, और वो भी जल्दी। चलो पिया, हम जितनी देर करेंगे उतने ही अंश के बचने के चांसेस कम होते जाएंगे। मैं एक बार अंश को देखना चाहती हूँ, उससे बताना चाहती हूँ कि मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ। I understand पिया, तुम्हारे लिए अंश को छोड़ के आगे बढ़ना मुश्किल है, मेरे लिए भी रुचि को छोड़ के आगे बढ़ना आसान नहीं था। Anyway, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना, कि अगर शादी मुहूर्त में नहीं हुई तो मैं भी नहीं जानता अंश का क्या हाल होगा। ये गिद्दी सी चुड़ैल पूरा इंसान खा गई और हमें चखने भी नहीं मिला। ना इंसाफी, बहुत ना इंसाफी है। लालची, नीडर और होशियार, बिल्कुल हमारी तरह। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन तुम दोनों की ये होशियारी हमारे सामने नहीं चलेगी। चुड़ैलों का जो रिवाज है वो तो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा, और हमारे स्वागत में तुम्हें हवा में तो उड़ना ही पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बहुत हो जाए, अब मैं नाटक नहीं कर सकती। अगर इस चुड़ैल को हमारी सच्चाई पता चल गई तो हमें खा जाएगी। नहीं, हमें इस पे हमला करना होगा। नमन, बेचारी मिलने मिलाने की बात कर रही है, तो मारने मरने की बात कर रही हो यार? मिलना मिलाना अगर उसके हिसाब से नहीं हुआ ना, तो खाना पीना जरूर उसके हिसाब से हो जाएगा। छोड़ो मेरा हाथ नमन। दो मिनट सुकून से तो रहो। ये क्या हो रहा है? पिया इतना टाइम क्यों लगा रही है? जाओ उसे लेकर आओ। हाँ हाँ, हम अभी देख कर आते हैं। चलो चलो। तुम दोनों उड़ने में इतना समय क्यों लगा रहे हो? इतनी देर हो गई, इतनी बातें हो गई, तुम दोनों ने अब तक मेरा स्वागत नहीं किया, ये हमारी बेइज्जती है।
रुक जाइए ना माँ, रुक जाइए। हमारी शान में जो गुस्ताखी करता है हम उसे कच्चा चबा जाते, लेकिन इससे पहले हम उसे इतना तड़पाते हैं कि वो अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। नहीं माँ, शांति। अब अगर तुम दोनों ने और देर लगाई तो हमें गुस्सा आ जाएगा। अरे रुको यार, अबे यार कई भैंस पानी में। चुड़ैल खुश हुई। पतिदेव जी, जब तक हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। अरे तुमको हम मना नहीं किए थे। अरे माँ, वो क्या है ना, बहुत मोटा इंसान खाया ना सावी चुड़ैल ने, इसीलिए उड़ नहीं पा रही है, गिर गई। धोखा? तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की? नहीं, तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। पिया? 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 पिया कहाँ गई? भाभी, पिया, पिया कहीं चली तो नहीं गई? नहीं नहीं, आज को ऐसी हालत में छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकती। लेकिन भैया, फिर पिया है कहाँ? भगवान, अगर देव को पता चलेगा तो वो तो बहुत नाराज हो जाएगा। हाँ भाभी, चलो ना उसको ढूंढते हैं। हाँ चलो 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 चलो। पिया, पिया, पिया कहाँ गई है? हम लोग यहाँ देखते हैं, आप लोग वहाँ देखिए। हाँ। पिया कहाँ चली गई है लड़की? अभी देव शादी के लिए इंतजार कर रहा है, तो गुस्सा हो जाएगा। बाप रे, क्या करेंगे? क्या हुआ? मिली? नहीं, उधर देखते हैं। चल। अंश का फोन, लेकिन मैं नीचे कैसे जाऊं? पिया, महूर्त निकला जा रहा है, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई है लड़की? पिया, या सब लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं, इससे पहले वो लोग मुझे ढूंढे, मुझे अंश का फोन लेना होगा और पता लगाना होगा वो मुझे क्या कहना चाह रहा था। जय हो मैया की। पिया तो यहाँ भी नहीं है, अब हम देव को क्या जवाब देंगे? भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है, देव को पता चलेगा तो उसको गुस्सा आ जाएगा। लेकिन ये पिया गई कहाँ? अरे नहीं यार, दो मिनट हमारी, तुम बात तो सुनो सावी यार। छोड़ो मुझे ना मन। नहीं माँ, रुक जाओ, शांति शांति। अरे सावी तुम रुको। सावी तुम हमारी बात को समझो यार, तुम। नहीं ना मन, छोड़ो हमें, हम इसे कच्चा चबा जाएंगे। वो तो तब ना जब मैं तुम्हें छोड़ूंगी। छोड़ो ना मन, इसे तो मैं मार ही डालूंगी। अरे हाँ, कैसे तुमको छोड़ दें? हम तुमको छोड़ देंगे, तुम अम्मा पे अटैक कर दोगी, और अम्मा को कुछ हो गया तो हमारी मिसेज हमको छोड़ के चली जाएगी, हम कैसे रहेंगे यार? तुम्हारी बात को समझो यार। जाती है तो जाए तुम्हारी वाइफ, आई डोंट केयर। इस चुड़ैल को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, छोड़ो ना मन। सावी नहीं, रुक जाओ। सावी नहीं, नहीं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।